हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करते हैं आईपीएल की 20th मैच जो कि एमआई वर्सेस आरआर के बीच में होने वाला है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीम के बारे में और प्लेयर का एनालिसिस करेंगे, कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस करते आ रहा है और कैसा परफॉर्मेंस करेगा। और लास्ट में आपको एसएल और जीएल की भी टीम देंगे और टॉस कौन जीतेगा वो भी बताएंगे। तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा अंत तक। तो उससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूँ जो आपको जाननी जरूरी है। इस मैच का खासियत बता दूँ और ये मैच कहाँ हो रहा है उसके बारे में बता दूँ और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। ये मैच आपका सरजा स्टेडियम में होने वाला है, सरजा क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ पे अभी तक 6 मैच खेला गया है जिसमें से 3 मैच बैटिंग करने वाला टीम जीता है और 3 मैच चेजिंग करने वाला टीम जीता है। तो देख रहे हैं 50-50% है यहाँ पे जीतने की चांसेस। पहले बैटिंग करिए चाहे बाद में बॉलिंग करिए। और मैं इस स्टेडियम में अभी तक 195 का हाइस्ट स्कोर बना है जो कि अभी तक एमआई ही बना पाई है। ये दो बार इस स्टेडियम में बनाई है 90 क्रॉस, एक बार 91 बनाई है, एक बार 195 का स्कोर बनाई है। तो एमआई ये दोनों बार बनाई है और बाकी सब अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इतना स्कोर तक कोई पहुंचे नहीं है। तो हाइस्ट स्कोर 195 का अभी तक इस स्टेडियम में, इस आईपीएल में। और बात करें दोनों टीम तो आरआर अपना पहला मैच इस लास्ट मैच लॉस करके आ रहा है और एमआई अपना लास्ट मैच जीत के आ रहा है। तो देख लीजिएगा, एमआई अभी फॉर्म में है और आरआर भी थोड़ी सी फॉर्म उसकी लूज हो गई है, लेकिन आरआर भी फॉर्म में है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो इस मैच का खासियत ये है कि आरआर अभी तक जो पिछले साल के 2-4 मैच हुए हैं एमआई के साथ, वो चारों मैच आरआर ही जीता है। तो देख लीजिएगा, आरआर की इंटरेस्टिंग कहानी ये है। विश्वास तो करना नहीं नामुमकिन है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा कि आरआर चारों मैच जीता है एमआई के खिलाफ पिछले 2 सालों में। तो देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव पे। तो अभी तक वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैलेंस पिच है, 30% पेसर को सपोर्ट मिलेगा, पेसर को विकेट मिलने वाला यहाँ पर ज़्यादा स्पिन के मुकाबले, स्पिन को थोड़ा कम मिलेगा। ओवरऑल बैलेंस पिच रहेगा। वेदर की बात करें तो क्लियर स्काई रहेगा, टेम्परेचर 34.29 का टेम्परेचर रहेगा, गर्मी बहुत गर्मी। तो देख लीजिएगा। और रिजल्ट 5 मैचों की बात करें तो जैसा मैंने बताया था, 4 मैच अभी तक आरआर जीता और एक ही मैच एमआई जीती है। तो देख लीजिएगा, आरआर का रेशियो 80% है और एमआई का मात्र 20%। तो देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। टॉस विनर की बात करें तो बॉलिंग ही लेगा, इसकी गारंटी है 100%। चेजिंग टीम 60% जीतने वाला है इस मैच को। एवरेज स्कोर इस ग्राउंड में 175 का एवरेज स्कोर है और जो पहले बैटिंग करता है 170 का एवरेज स्कोर है। तो इस मैच की विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 60% आरआर की है और एमआई की 40%। एमआई की थोड़ी कम है क्योंकि पिछला रिकॉर्ड ख़राब है आरआर के खिलाफ, तो थोड़ा सा कम हो गया है। एमआई अभी तक 5 मैच खेल चुका है जिसमें से 3 मैच वो जीता है और 2 मैच लॉस किया है। टॉस की बात करें तो 2 टॉस जीता है और 3 टॉस लॉस किया है। आरआर की बात करें तो अभी तक 4 ही मैच खेला है जिसमें से 2 मैच लॉस किया, 2 मैच जीता है। तो इस मैच को जीतने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। टॉस की बात करें तो 2 टॉस ये भी हारा है और 2 टॉस जीता है। विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें टॉस की तो टॉस 50-50% है कि दोनों जीत सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एमआई टॉस जीतने वाला है और मैच को आरआर मेरे प्रिडिक्शन से आरआर को थोड़ी तकलीफ हो सकती है जीतने में इस मैच को, लेकिन आरआर ही जीतेगी इस मैच को मेरे प्रिडिक्शन से, अगर बाद में बैटिंग करता है आरआर तो। देख लीजिएगा, मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है। टीम परफॉर्मेंस की बात करें मुंबई की प्लेइंग 11 और टीम परफॉर्मेंस की बात करें, सॉरी, 5 मैच अभी तक खेला है जिसमें से क्विंटन डिकॉक एक ही मैच में परफॉर्मेंस दिखाए जो पिछला मैच में, और एक मैच पहला मैच था तो 33 रन का पारी खेले थे, बाकी मैचों में फ्लॉप रहे हैं। तो क्विंटन डिकॉक आपके लिए इनिशियल पिक होंगे। रोहित शर्मा 2 मैचों में मारे हैं और 2 मैचों में फ्लॉप रहे हैं और 3 मैचों में फ्लॉप रहे हैं। तो इस मैच में चलने की संभावना इनकी, क्योंकि पिछले मैच में बहुत जल्दी आउट हो गए थे, 1 छक्का ही मात्र मार पाए थे। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो हालांकि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस अभी दिखाई नहीं है, एक ही मैच में 47 रनों का पारी खेले हैं। स्टार्टअप लेते हैं हर मैच में बट बड़ा स्कोर कर नहीं पा रहे हैं। देख लीजिएगा, आपके लिए ग्रैंड लीग के प्लेयर हो सकते हैं। ईशान किशन की बात करें तो निराश नहीं करेंगे, आते ही के साथ 99 रन का पारी खेले थे और दोनों मैचों में कुछ रन बनाए हैं, इस मैच में भी कुछ जरूर रन बनाएंगे। हार्दिक पांड्या हर बार स्टार्टअप ले रहे हैं बहुत बढ़िया और लास्ट में आते हैं तो थोड़ा सा छोटा नॉक खेलते हैं, बट असरदार नॉक खेलते हैं हर बार। किरण प्लॉट की बात करें तो बल्ले से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लास्ट में आते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता इसलिए, और एक मैच में 1 विकेट भी लिए हैं और बॉलिंग भी करेंगे 3 ओवर 2 ओवर, तो विकेट भी निकाल सकते हैं, तो आपके लिए इनिशियल पिक होंगे।
कुणाल पांड्या की बात करें तो पिछला मैच में अच्छा बैटिंग से जलवा दिखाए थे, 4 बॉलों में 20 रन मारे थे और 1 विकेट भी लिए थे। और हालांकि इनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, विकेट लेते हैं और 2 ओवर बॉलिंग भी करेंगे। पीटरसन की बात करें तो एक मैच छोड़कर एक मैच में विकेट ले रहे हैं, 2-2 विकेट लिए, लेकिन लगातार 2-2 विकेट हमेशा लेते हैं, तो इस मैच में भी ये विकेट ले सकते हैं जेबी पीटरसन की बात करें तो वो इस मैच में भी ले सकते हैं। राहुल चहर की बात करें तो पिछला मैच में 1 भी विकेट नहीं लिए थे, इनका ओवर पुलाट डाले थे तो पुलाट को भी विकेट नहीं मिला था, हालांकि हमेशा विकेट लेते हैं, इस मैच में भी विकेट जरूर लेंगे। बुमराह की बात करें तो अभी तक परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा, 1 ही मैच में विकेट नहीं मिला, बाकी हर मैचों में विकेट मिला है, तो इस मैच में भी विकेट जरूर मिलेगा। ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो हर मैचों में विकेट लिया है, वो भी 2-2 विकेट लिया है और 2 मैचों में 1 विकेट लिया, तो इस मैच में भी जरूर विकेट लेंगे ही। आपके की प्लेयर हो जाएंगे रोहित शर्मा, डिकॉक, पोलार्ड, बोल्ट और बुमराह, आपके की प्लेयर, इनको छोड़िएगा नहीं, कोई भी लिख के लिए और आराम से जीतिएगा। बात करें आर की तो आर अभी तक 4 ही मैच खेला है और इसका 5वां मैच रहेगा कल। संजू सैमसंग की बात करें तो 2 मैचों में तो बहुत धुआंधार पारी दिखाए थे संजू सैमसंग, ब्लास्टर मास्टर दिख रहे थे, लेकिन अभी 2 मैचों में फ्लॉप दिख रहे हैं, तो इस मैच में चलने की संभावना है इनकी। स्मिथ की बात करें तो 69 रनों का पारी पहला मैच में खेले थे, दूसरा मैच में 50 रनों का पारी खेले थे और 2 मैचों में फ्लॉप रहे हैं। तो आपके नए प्लेयर आए हैं महिपाल, जो पहला मैच ही खेले हैं, 47 रन का पारी खेले थे पहला मैच में, और इस मैच में शायद उथप्पा ना खेलें, उनको मैंने रखा नहीं है क्योंकि प्लेइंग 11 में है नहीं इस मैच में। बटलर की बात करें तो आते के साथ अभी तक परफॉर्मेंस दिखा नहीं है, तो इस मैच में दिखने की चांसेस ज़्यादा है क्योंकि अभी तक बड़ा स्कोर नहीं कर पाए हैं, बड़े प्लेयर हैं तो स्कोर कर सकते हैं। तेवटिया की बात करें तो हर मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट हमेशा देते रहते हैं और फॉर्म में प्लेयर हैं, तो देख लीजिएगा, 4 ओवर बॉलिंग भी करेंगे और ऑलराउंडर है, पहले ही बैटिंग आ जाएंगे और बैटिंग भी देख रहे हैं इनकी धुआंधार बैटिंग, तो देख लीजिएगा आपके लिए ग्रैंड लीग में अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं और आपको ग्रैंड लीग भी जिता सकते हैं। पराग की बात करें तो लगातार फ्लॉप, इनको रखिएगा नहीं टीम में। अब बात करें टॉम करन की तो टॉम करन आपके बॉलिंग करेंगे 4 ओवर और बैटिंग भी जल्दी आते हैं, तो आपके टॉम करन भी रहेंगे इनिशियल पिक। आर्चर की बात करें तो इनको कभी भूल कभी मत छोड़िएगा, बैटिंग भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हर लगे लंबे लंबे छक्के मारते हैं और आपके विकेट भी हमेशा लेते रहते हैं, तो ये आपके रह जाएंगे इनिशियल पिक और की प्लेयर। बात करें उनादकट की तो उनादकट अभी तक एक विकेट लिए हैं 4 मैचों में, तो देख लीजिएगा, आपके ओवर तो पूरे डालते हैं लेकिन विकेट नहीं मिलता है इनको। अंकित राजपूत पिछला मैच खेले नहीं थे, 2 मैच खेले हैं, दोनों मैचों में विकेट लिए हैं, इस मैच को वो खेलेंगे तो राजपूत आपके लिए पिक रहेंगे, 1 विकेट जरूर लेंगे। की प्लेयर की बात करें तो संजू सैमसंग, स्मिथ, आर्चर और बटलर और साथ में तेवटिया, ये आपके की प्लेयर होंगे, इनको मत छोड़िएगा। इनके अलावा आप किन्हीं को लीजिए ग्रैंड लीग में, आपके लिए तेवटिया रहेंगे इनिशियल पिक, और आप सेफ पिक चाहते हैं अगर स्मॉल लीग जीता चाहते हैं तो स्मिथ आपके लिए रहेंगे इनिशियल पिक। तो अब बात करें स्टॉक की तो 23 मैच अभी तक खेला है, इसमें से 50-50 रेशियो के साथ MI और RR 11-11 मैच जीती है और नो रिजल्ट 1 ही मैच रहा है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें इस IPL में तो MI अभी 208 रनों का हाईएस्ट स्कोर बनाया है, RR 228 रनों का हाईएस्ट स्कोर। तो ये रही स्टैट की बात, इस मैच में कुछ आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, दोनों मैच मतलब दोनों टीम बहुत तगड़ी है, तो मैच आपको इंटरेस्टिंग मिलने को देखने को मिलेगा। तो इतना अभी तक एनालिसिस का बात हुआ, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करिएगा तो जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं आप लोग टीम की तरफ, आपको GL और SL की टीम देते हैं, तो वीडियो में बने रहिए जरूर। चलिए टीम की तरफ आपको टीम दिखाता हूँ, मैं टीम पहले से बना के रखा हूँ और टीम आपको मिल जाएगा। इस टीम में थोड़ी मड़ी जो होगी प्रॉब्लम, अगर कुछ चेंजेस होगा तो आपको टॉस के बाद मिल जाएगा टेलीग्राम में, उसके लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर ज्वाइन होइएगा। ये मेरी रही पहली टीम, इसे अगर इसमें कोई प्लेयर खेलता नहीं है, हालांकि सब प्लेयर खेलेंगे जरूर, लेकिन अगर कोई प्लेयर खेलता नहीं है, कोई अगर इनिशियल चेंजेस होगा तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम में आपको ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है, तो टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन होइएगा, टेलीग्राम में बहुत ज्वाइन होइएगा। तो ये मेरी पहली टीम रही, और ये रही मेरी दूसरी टीम जिसमें मैंने बैट्समैन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, और ये मेरी रही तीसरी टीम जिसमें मेरी देख रहे हैं बॉलर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, और ये मेरी रही चौथी टीम। तो ये मेरी चौथी टीम है, तो देख लीजिएगा आपको प्रेफरेंस यहाँ पे बॉलर को ज़्यादा है क्योंकि इसमें विकेट ज़्यादा गिरती है, तो बॉलर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिला है। तो ये रही मेरी टीम की बात, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया जरूर लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। तो अपना चलिए मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में,
और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।